आज 26 अक्टूबर, आज हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट जो है इसमें साउथ वेस्ट मॉनसून हमारा वेस्टर्न उड़ीसा का व इंटीरियर उड़ीसा का कुछ पार्ट से विथड्रॉल हुआ है। सुंदरगढ़, झारसीगुड़ा, देवगढ़, संबलपुर, बोरागढ़, सुवर्णपुर, बोलांगीर एंड नोआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट से पूरा हो गया है। मयूरभंज, केवंझर, अंगुल, बौद्ध, कंधमाल, कालाहंडी, नवरंगपुर, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट का पार्ट्स से हुआ है। तो इंटीरियर उड़ीसा का कुछ पार्ट्स में हमारा पार्ट्स से हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून उज्जैन हो गया है। अभी हमारा कंडीशन फेवरेबल भी हो रहा है। अगला 48 आवर्स में पूरा उड़ीसा से अगला 48 आवर्स में उड़ीसा से होने का और 28 का अराउंड पूरा इंडिया से ही, पूरा कंट्री से ही साउथ वेस्ट मॉनसून उत्तर होने का चांसेस है। अभी इस साल का उत्तर थोड़ा हमारा डिले हुआ है। 2010 का बाद ये डिले है। 2010 में भी इस तरह से डिले हुआ था। 2010 में 26 अक्टूबर स्टार्ट हुआ था, 28 अक्टूबर पूरा उत्तर कंप्लीट हुआ था। अभी इस साल का डिले का जो मैं अभी जो अपेरेंट जो रीजन है इसमें हमारा तीन सिस्टम्स था, तीन लो प्रेशर सिस्टम कंजिक्यूटिवली था। तो लो प्रेशर सिस्टम का वजह से हमारा रेनफॉल एक्टिविटी एंड साउथ वेस्ट मॉनसून एक्टिविटी था, तो फिर इसमें इसीलिए डिले हुआ है। तीन लो प्रेशर सिस्टम में फर्स्ट वीक में एक लो प्रेशर था, दो डीप डिप्रेशन हुआ था, तो इसका वजह से ही शायद हमारा लो प्रेशर साउथ वेस्ट मॉनसून का उत्तर डिले हुआ है। और अभी हमारा जो अगला 5 दिन के लिए जो फोरकास्ट है, नेक्स्ट 24 आवर्स में गजपति, गंजाम, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में एक तो जगह में हल्का से मध्यम बारिश हो सकता है, बाकी मोस्टली ड्राई वेदर ही रहेगा। 24 आवर्स के बाद अगला 4-5 दिन के लिए मोस्टली ड्राई वेदर प्रिवेल करने का ही संभावना है उड़ीसा का सभी डिस्ट्रिक्ट में। और अभी हमारा जो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर नॉर्मल का आसपास ही रहेगा, ग्रेजुअली 1-2 डिग्री डिक्रीज कर सकता है मिनिमम टेम्परेचर्स, नाइट टेम्परेचर 1-2 डिग्री ग्रेजुअली डिक्रीज करने का चांसेस है, बट स्वाभाविक व नॉर्मल का आसपास ही रहेगा। भुवनेश्वर एंड कटक को दोनों सिटी कैपिटल सिटी एरिया में पार्टली क्लाउड स्काई रहेगा, टेम्परेचर्स 30, मैक्सिमम टेम्परेचर आज 33, मिनिमम टेम्परेचर कल 23 के आसपास रहने का चांसेस है।